हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त रोशन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोशन टेक्नोलॉजी की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, होंडा की स्कूटी आई है मेरे पास में, 4G स्कूटी। और ये जो स्कूटी है, इसके अंदर में आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जैसे सेल्फ स्टार्ट बटन दबाते हैं इसका पावर का, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर में आवाज़ आ रही है। और उसके बाद में ये स्कूटी आगे की तरफ मूव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या खोलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है। स्किप करने से आपकी नॉलेज जो है मिस हो सकती है, जिसकी वजह से आपको कभी ऐसे प्रॉब्लम आएगी तो आपको पता नहीं चल सकेगा। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट और हेल्पिंग वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलती रहे। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे अगर आपको कोई रास्ते में अचानक से कोई बंदा मतलब जो है मिलता है, और कोई मतलब समझ सकते हो कि रोडवेज मैकेनिक जो होते हैं ना, वो आपको अगर मिलते हैं तो आप उनसे थोड़ा सा सजग रह सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं कि मतलब क्या यार कुछ भी खोल करके रख देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है आपकी जो इंजन की जनरेबिलिटी होती है पूरी खत्म हो जाती है। इंजन खोलने के लिए आपको बता देते हैं और आप आसानी से खुलवा लेते हो, क्योंकि आपको विश्वास हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए आपको, और वो आपकी प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे जो है शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है इसका मीटर मैं आपको शो करूँगा, जैसे कि आपको दिखाऊँगा कि मतलब कितना किलोमीटर चल चुकी है ये। तो अब तक जो है चल चुकी है डैशबोर्ड में 25,319 किलोमीटर चल चुकी है। उसके बाद में अब जो है आपको इग्निशन ऑन करके मतलब दिखाने वाला हूँ। तो इग्निशन ऑन कर दिया मैंने, उसके बाद में ये देखें, आपने दोस्तों ये जो है इसकी आवाज़ सुनी है, अभी थोड़ा कम लगा। मैं इसको पूरा जो है ना ये खोलूँगा, ये ठीक है, इंजन नहीं खोलेंगे इसका। सबसे पहले ये है ना इसका ये कवर खोलूँगा, उसके बाद में दिखाने वाला हूँ कि इसके अंदर में क्या चीज़ जो है टूटी हुई है, क्या नुकसान हो रखा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब जो है आवाज़ नहीं पता चल पाती है, लेकिन खोलने के बाद जो चीज़ें इसके अंदर में ख़राब निकलती हैं वो आपको पूरे अच्छे से देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए फटाफट से इसको जो है खोल लेते हैं, उसके बाद में दिखाने वाला हूँ क्या क्या इसके अंदर में काम होगा, क्या होने वाला नुकसान। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time. तो दोस्तों, ये जो क्लच का बॉक्स है ये जो है पूरी तरह से मैंने खोल दिया है। और अब जो है आप देख सकते हो कि इसके अंदर में कुछ पार्टिकल्स, यानी कि कुछ पार्ट के जो है छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे जग्स पार्टिकल कट के यहाँ पे देख सकते हो आप कितना ज़्यादा मेटल इसका घिसा कटा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और ये सब चीज़ें तो देखने में ठीक लग रही हैं, ठीक है। ये जो इसका पुली है अच्छे से घूम रहा है, अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में जो पीछे वेरिएटर होता है ये वाला, जो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये वाला वेरिएटर, लगता है इसके अंदर में कुछ ऐसा टूट गया है जिसकी वजह से छोटे छोटे जग्स पार्टिकल वगैरह कट करके इसके अंदर आए हुए हैं। तो फटाफट से क्या है कि मतलब इन सभी चीज़ों को खोल करके फिर अच्छे से देखेंगे इसके अंदर में क्या टूटा हुआ है, क्या नुकसान हो रखा है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा इसके अंदर में आवाज़ें आ रही हैं। तो फटाफट से इसको खोल करके देखते हैं इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलिए फटाफट से काम को शुरू करते हैं। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. तो फाइनली दोस्तों, ये जो जितने पार्ट थे वो सारे खुल चुके हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रॉब्लम आई थी वो कहाँ थी। ये आप पुली देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा ये डैमेज हो चुकी है, ठीक है।
ये यहाँ से पूरी टूट चुकी है ये पुली, और जिसके वजह से इसका जो बैलेंसिंग है वो इधर उधर हो गया था, जिसकी वजह से ये दिक्कत कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ जो आ रही थी ये इस पुली की वजह से आवाज़ आ रही थी। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आवाज़ जो आ रही थी वो कहाँ पे इसमें आके लग रही थी, ठीक है। ये आप देख सकते हो चैम्बर है, ये यहाँ पर पे आ कर के लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, इसको आवाज़ करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ से घर्षण हो रही थी, जिसकी वजह से ये टूटने का पूरा डर था, ये पूरा फट सकता था चैम्बर, लेकिन इसे बच गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो इसकी मैंने आपको बताई थी ना, ये वाली जो इसका जो ये वेरिएटर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास के वेरिएटर है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सारी चीज़ें साफ़ सफाई से सारी चीज़ें उसके बाद में काम करेंगे, इससे पहले इसको जो है इसको नया डालेंगे, ठीक है, इसको नया डालेंगे, क्योंकि जब ये नया डल जाएगा तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगी, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर में टूटने की दिक्कत है, तो इस वजह से ये इसको हम चेंज करेंगे और पूरी तरह से साफ़ सफाई के साथ काम करेंगे। तो फटाफट से इस काम को शुरू करते हैं। फाइनली दोस्तों ये स्कूटी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और अब जो मैं इसका साउंड सुनाने वाला हूँ, यहाँ से पहले चाबी ऑन करेंगे, ये ऑन हो गई, अब इसके बाद में स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और ये आप इसकी साउंड सुन सकते हो, मैं इसको दिखा देता हूँ, इसमें साउंड जो भी है, मैं हल्का सा स्पीड देता हूँ, आप इस सुन सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इसकी साउंड जो है काफ़ी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि जो आवाज़ जो आ रही थी वो पूरी टूटने की वजह से आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से टूटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो गया था, चैम्बर टूटने वाला ही था लेकिन बच गया, क्लच कवर टूटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था, तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बच गया, काफ़ी ज़्यादा इसमें गड्ढे हो रखे थे, तो उसको अच्छे से मैंने सही करा दिया है, अब बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में है और बहुत ही अच्छा हो गया है, और इसका जो पिकअप साउंड हुआ मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, मतलब काफ़ी देखने में बहुत प्यारी लग रही है, चलने में भी बहुत अच्छी है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आवाज़ साउंड वगैरह आती है तो आप इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको लेटेस्ट और अपलोडेड वीडियो को इसी तरह से नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से मिलती है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।